क्या पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतरेंगी पल्लवी पटेल? क्या समाजवादी पार्टी वाराणसी संसदीय सीट से पल्लवी पटेल को टिकट दे सकती है? 2024 को लेकर अब विपक्ष का मंथन तेज हो रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनडीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। चाहे वो राज्य स्तर का विधानसभा चुनाव हो या देश की लोकसभा के लिए सांसद चुनना हो, दिग्गजों की सीट पर सबकी निगाहें टिकी जाती हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में चुनावी शोर लगभग थमने को है, लेकिन इस चुनावी शोर के बीच धीरे धीरे साल 2024 के आम चुनावों की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। विपक्ष के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण सीटों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी संसदीय सीट और विपक्ष के INDIA गठबंधन और उसके सबसे प्रमुख दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उनकी तरफ से इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि किसे उतारा जाए। इस बीच सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल का बड़ा बयान सामने आया है कि पार्टी जिन नामों पर चर्चा कर रही है उनमें से उनका भी एक नाम है, और अगर शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा तो वो वाराणसी संसदीय सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। साल 2024 के आम चुनावों को लेकर पल्लवी पटेल, जो कि सिराथू से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, साथ ही अपना दल कमेरावादी की प्रमुख भी हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है। पल्लवी पटेल ने बातचीत में कहा है कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लगातार मंथन कर रहा है। सवाल पूछने पर उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके नाम पे ही चर्चा कर रहा है, और अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा तो वो वाराणसी से चुनाव जरूर लड़ेगी। इतना ही नहीं, पल्लवी पटेल ने लोक बंधु राजनारायण का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इसी उत्तर प्रदेश में राजनारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को चुनौती दी थी और फिर शिकस्त भी दे दी थी। ऐसे में किसी को अपराज्य यानी कि उसे हराया ही नहीं जा सकता, ऐसा मान लेना गलत है। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और वाराणसी सीट सबसे हॉट सीट में से एक गिनी जाती है, 2014 में अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर इसे और भी ज्यादा सुर्खियों में ला दिया था, तो पल्लवी पटेल के इस बयान के बाद ये खबर भी हेडलाइंस में चढ़ चुकी है। आपको बता दें कि 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए लगभग 102 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। इनमें से 71 का पर्चा तो जांच के बाद खारिज हो गया था, फिर भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार मैदान में थे पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए। साथ ही साथ कुछ महीनों पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ज्यादा लाइमलाइट में आए अजय राय भी 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ चुके हैं। साथ ही साथ वो 2014 में भी पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार थे और तब 75,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल थे जिन्हें 2 लाख से कुछ ज्यादा वोट मिले थे, और पीएम नरेंद्र मोदी 5,81,022 वोटों के साथ सफलता हासिल कर पहले मुकाम पर थे। अब देखते हैं कि पल्लवी पटेल अगर इस सीट से उम्मीदवार बनती हैं तो वो क्या कमाल कर पाएंगी, या फिर ये चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा। फिलहाल खास रिपोर्ट में इतना ही। यूपी की हर छोटी बड़ी पॉलिटिकल हलचल जानने के लिए आप जुड़े रहिए एनडीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।